मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। हम उससे आगे का टॉपिक लेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, किस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया संपन्न करता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम की विशेषताएं क्या होती हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी जिसमें कौन यूज हो रहा था एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया संपन्न करता है। देखिए, जो एंजाइम होता है, ये मान लीजिए मैं इसको क्या नाम दे हूं, एंजाइम। एंजाइम की जो सतह होती है, उस सतह पर अनेक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इन क्रियात्मक समूह को एक नाम दिया जाता है, सक्रिय केंद्र। एंजाइम की सक्रिय सतह पर कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है। उन क्रियात्मक समूहों को क्या नाम दिया जाता है, सक्रिय केंद्र। इन्हीं सक्रिय केंद्रों से कौन आकर बंध बनाता अभिकारक अणु। अभिकारक अणु सक्रिय केंद्रों से आकर जुड़ेगा एंजाइम से, बंध बनाएगा, यही क्या बनेगा, उत्पाद। और बाद में उत्पाद और एंजाइम क्या हो जाएंगे, अलग। तो एंजाइम के सक्रिय स्तर को किसे कहते हैं, एंजाइम में कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सक्रिय केंद्र या सक्रिय स्थल। और इन्हीं पर आकर के कौन अटैच होता है, अभिकारक अणु। किसका निर्माण करता है, उत्पाद। देखिए, ये जो सक्रिय स्थल है जिनको मैं एक नाम और भी कह सकता हूं, सक्रिय केंद्र, इन्हीं सक्रिय केंद्रों का, सक्रिय स्थलों का जो आकार और जो आकृति है, किसकी आकृति की बात कर रहा हूं मैं, इन सक्रिय केंद्रों की, रंध्रों की, सक्रिय स्थलों की जो आकृति है, वो आकृति और किसकी आकृति, अभिकारक अणु की आकृति परस्पर क्या होती है, पूरक, सप्लीमेंट्री होती है। साहब, कहने का मतलब क्या हुआ, अभिकारक अणु और एंजाइम के सक्रिय केंद्रों की आकृति परस्पर क्या होती है, पूरक। तो इस आधार पर इसका कहने का मतलब ये हो गया, ये जो क्रियाविधि है वो एक सिद्धांत पर कार्य करती है और वो है तालाकुंजी सिद्धांत। तालाकुंजी सिद्धांत, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंजाइम है वो जब भी उत्प्रेरण की क्रिया करता है तो किस सिद्धांत का पालन करता है, वो तालाकुंजी सिद्धांत का। कहने का मतलब, एक ताला जैसे विशिष्ट कुंजी से खुलता है, उसी प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया को एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरित करता है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभिकारक, वही अभिकारक इस सक्रिय स्थल पर जुड़ेगा जिसकी आकृति, किसकी पूरक होगी, सक्रिय केंद्र की। तो अपने आप ये सप्लीमेंट्री हो गया और स्पेशल हो गया। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, एंजाइम के सक्रिय स्थलों की जो आकृति है वो अभिकारक अणु की आकृति की क्या होनी चाहिए, पूरक। तभी तभी वह अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल पाए। इसका मतलब ये हो गया कि एंजाइम उत्प्रेरण जो है वो तालाकुंजी सिद्धांत का पालन करती है। अब हम इस सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। तो एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में जो हमने पढ़ा है वो सिद्धांत तीन चरणों में संभव होता है। देखिए, और उसका पहला स्टेप जो है वो क्या है, स्टेप पढ़ने से पहले बता दूं, एंजाइम की सक्रिय स्थलों की आकृति और अभिकारक अणु की आकृति परस्पर पूरक होगी, तभी वह अभिकारक को उत्प्रेरित कर पाएगा वह एंजाइम। पहला स्टेप क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, एंजाइम किससे रिएक्शन करेगा, अभिकारक अणु से, और एक संकुल यौगिक बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, एंजाइम क्रिया
क्रियाधार, क्रियाधार का मतलब ही क्या है? अभिकारक है। एंजाइम क्रियाधार संकुल, ठीक है। मैं इसको कह सकता हूं एंजाइम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ई से। अभिकारक सब्सटेंस को, सब्सटेंस को मैं एस से डिनोट कर सकता हूं। तो बनने वाले संकुल को मैं क्या कहूंगा? ईएस। ये संकुल यौगिक। तो पहले चरण में क्या होगा? एंजाइम अभिकारक अणु से क्रिया करेगा, एक संकुल यौगिक बनाएगा, इसका नाम क्या होगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल, ईएस। इसको भी डायग्राम से बता सकते हैं। एंजाइम की किसी भी एक आकृति बना लीजिए आप, ये मान लीजिए कोड है, ये है एंजाइम, ये एंजाइम की आकृति, इस कैसी भी आकृति बना लीजिए आप, लेकिन आप जो आकृति किसकी बनाएंगे? अभिकारक की। जो आकृति किसकी बनाएंगे? अभिकारक अणु की जो आकृति बनाएंगे उसकी आकृति इस आकृति की क्या होनी चाहिए? पूरक होनी चाहिए, सप्लीमेंट होनी चाहिए। तो देखिए ठीक है, तो इन दोनों की आकृति एक दूसरे की क्या है? पूरक। तो क्या बन जाएगा? दोनों का मिलान हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, किसी को मिला दे चलो, देखिए कैसे। और इसको मिला दे, तो ये बन गया एंजाइम क्रियाधार संकुल। दूसरे चरण में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो एंजाइम क्रियाधार संकुल है ये चेंज हो जाएगा किसमें? एंजाइम उत्पाद संकुल में, एंजाइम उत्पाद संकुल में, जिसको मैं क्या कहूंगा? ऐसे भी कह सकता हूं कि जो क्या बना था ईएस, उसको मैं ऐसे कह सकता हूं समीकरण से, जो क्या बना था ईएस एंजाइम क्रियाधार संकुल, वो किसमें चेंज हो जाएगा? एंजाइम उत्पाद संकुल में, ठीक है। इसको फिर डायग्राम से बता सकते हैं, इसी डायग्राम को चेंज कर लीजिए आप, इसी डायग्राम को चेंज कर लीजिए। ये बन गया आपका एंजाइम उत्पाद, उत्पाद दो बन गए, थोड़ा इसे इंडिकेट करना है सर आपको। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? जो कौन बना था ईपी, ये एंजाइम उत्पाद संकुल जो होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा? टूट जाएगा साहब एंजाइम प्लस उत्पाद में। तो मैं इसी डायग्राम को घुमा सकता हूं, ये नहीं, ये सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था और ये है थर्ड स्टेप। तो दोनों हो जाएंगे एंजाइम तो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा सर। एंजाइम तो इसी रूप में आ गया वापस वैसे का वैसे, और उत्पाद के टुकड़े इतने हो गए दो, एक और ये आपका दूसरा टुकड़ा।
इनको थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा अपने को, टुकड़े अलग हो गए इसलिए। ये क्या बन गया दूध और ये एंजाइम क्या हो गया अलग। तो ये क्रियाविधि थी, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं कि एंजाइम किस प्रकार उत्प्रेरण की क्रिया संपन्न करता है, वो सिद्धांत किस प्रकार लगता है तारागमन सिद्धांत पर। तो देखिए पहला स्टेप क्या करे एंजाइम, मैं क्लियर देता हूं पहले, ये एंजाइम किससे क्रिया करेगा, अभिकारक से, क्या बनाएगा उत्पाद प्लस एंजाइम। इस समीकरण को मैं कितने चरणों में संपन्न करवाता हूं, तीन चरणों में। तो पहले चरण में क्या होगा, एंजाइम अभिकारक अणु से क्रिया करेगा, ई प्लस एस एक संतु बनाएगा, ई एस इसको बोलेंगे एंजाइम क्रियाधार संतु। डायग्राम भी बना सकते हैं, ई की डायग्राम ये बनाया, सब्स्टिट्यूट का डायग्राम बनाया, दोनों को मिला दिया। ये इन दोनों की आकृति एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट पूरक होनी चाहिए। दूसरे चरण में क्या हुआ, ये जो बना है एंजाइम क्रियाधार संतु ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एंजाइम उत्पाद संतुल में। तो ये डायग्राम था पहले स्टेप का, दूसरे में ये किसमें चेंज हो गया, एंजाइम उत्पाद संतुल में, जिसको मैं कह सकता हूं ई एस जो है जो पहले स्टेप में बना था दूसरे स्टेप में किसमें चेंज हो गया, ईपी में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो है थर्ड स्टेप क्या है, अब इस ईपी को अलग होना है क्योंकि अभी तो क्या सिंपल चीज एंजाइम वैसे क्या वैसे अनचेंज रह जाएगा। तो एंजाइम उत्पाद संतुल कौन ईपी किसमें चेंज रहेगा, ई प्लस पी में। तो ई प्लस किसमें टूट गया, पी में, इसी को घुमा लीजिए सेकंड स्टेप का, थर्ड स्टेप में ई तो वैसे ना वैसे अलग हो जाएगा पी के दो टुकड़े। तो ये था कि एंजाइम किस प्रकार उत्प्रेरण विक्रिया संपन्न करता है। इस अधिशोषण वाले चैप्टर में दो पोर्शन है, एक तो अधिशोषण का है और एक कोलोइड का है। कोलोइड को शुरू करने से पहले उत्प्रेरण का एक विशेष क्लास है वो हमारे पास है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसका एग्जांपल जो जियोडाइट के नाम से जाना जाता है, जो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण है वो एंजाइम का एक विशिष्ट वर्ग है। देखिए आप सुनिए, ये तो है उत्प्रेरण, लेकिन जब उत्प्रेरण की क्रिया किसको देखकर की जाती हो, अभिकारक अणु के आकार का चयन करके, वर्णात्मक का मतलब सेलेक्टिव, मैं इसको ये नाम भी दे सकता हूं चयनात्मक। जब उत्प्रेरण की क्रिया अभिकारक अणु के आकार को देखकर की जाती है तो क्रिया क्या कहलाती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। और यह ऐसा जो करते हैं वो उत्प्रेरण क्या कहलाते हैं, जियोलाइट। इनका एक नाम बोध भी है जिन्हें आणविक छलनी कहा जाता है, छलनी का चालनी, जियोलाइट आणविक छलनी और आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण बात क्या है, एक ही मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, वे उत्प्रेरक जो अभिकारक अणु के आकार का सिलेक्शन करके चयन करके उत्प्रेरण की क्रिया संपन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। और क्रिया क्या कहलाएगी, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। इसका एग्जांपल क्या है, जियोलाइट, इनका नाम और भी क्या है, आणविक छलनी। देखिए जियोलाइट क्या है, जियोलाइट एक प्रकार का रंध्रीय एल्यूमिनियम सिलिकेट है। रंध्रीय का मतलब क्या, उसमें रंध्र है, गुहिकाएं हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट यौगिक होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट का मतलब क्या हुआ, कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर कैसे परमाणु बैठे हैं, एल्यूमिनियम। तो वैलेंसी क्या होगी, खाली। रंध्र का मतलब क्या है, वैलेंसी खाली, सिलिकॉन के स्थान पर कुछ क्या है, एल्यूमिनियम, तो कुछ वैलेंसी क्या होगी, खाली। लेकिन जियोलाइट जो है उसी अभिकारक अणु को उत्प्रेरित करेगा जिसका आकार जियोलाइट के आकार के क्या होगा, पूरक होगा। उसी अभिकारक अणु को वो अपने रंग पर अपनी मुख संयुक्तता पर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा और उसको किसमें चेंज कर देगा, उत्पाद में। वापस से रिवाइज कर रहा हूं मैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण का मतलब क्या हुआ, वह उत्प्रेरण की क्रिया जो अभिकारक अणु का आकार का चयन करके की जाती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जियोलाइट। जियोलाइट होता क्या है, एक प्रकार का रंध्रीय एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर कुछ एल्यूमिनियम परमाणु रहते हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी से एल्यूमिनियम वैलेंसी कम हो
खाली हो गई, जिसको क्या बोलेंगे रंध्र मुख से निकलता है, और जियोलाइट क्या करता है उन्हीं अमीबा कणों को उत्प्रेरित करेगा जिनका आकार जियोलाइट के आकार से क्या होता है पूरक होता है, क्योंकि जियोलाइट में जो रंध्र है उनका जो आकार है उसका पूरक आकार होना चाहिए इसका अभिकार, उसी को उत्प्रेरित करेगा। और वो करता क्या है उस रंध्र पर उस मुख से निकलता पर अभिकार कणों का क्या कर लेता है अधिशोषण और उसको उत्प्रेरित करता है। हमारे पास एग्जाम्पल है जियोलाइट में ZSM5 एक प्रकार का जियोलाइट है जिसका उपयोग किसमें होता है एल्कोहल को किसमें चेंज करने में गैसोलीन जो एक प्रकार का पेट्रोल होता है। जियोलाइट एक एग्जांपल और है हमारे पास सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट और जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। तो ये तो इसके उपयोग थे। इसमें खास बात यही है कि जियोलाइट उन्हीं अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित करेगा जिनका आकार जियोलाइट के रंध्रों के आकार का क्या हो पूरक आकार। इस तरह हमारा अधिशोषण का ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के दूसरे पोर्शन को अपन नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे और उसका नाम रहेगा कोलाइड। थैंक यू स्टूडेंट्स।